हेलो दोस्त, आज हम लोग जानेंगे कि VFD क्या है। VFD जो है बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, VFD क्या है और उसका का वो क्या काम करता है। सही है, VFD हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो आज इसका बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कि VFD जो है हमारा स्पेशल वो मोटर चालू करने के लिए उपयोग पड़ता है। वो ऐसा डिवाइस है जो हमारा मोटर को स्मूथली चालू करने का और स्मूथली बंद करने का, और जो हमारा करंट है उसको रिड्यूस करके करंट भी बचाने का, ये सब काम पे आता है। उसमें हम लोग सेटिंग भी कर सकते हैं, जो पंप का जो हमारा RPM होता है वो RPM का सेटिंग भी हम लोग इसमें कर सकता है। और VFD का जो मेन काम है कि जैसे हम लोग 3-phase मोटर है उसको हम लोग डायरेक्ट 3-phase 440 वोल्टेज का जो हम लोग पावर देंगे तो स्विच ऑन करने पर वो डायरेक्ट 440 वोल्ट आके उसको बहुत स्पीडी में हाई वोल्टेज का पावर होता है, बहुत स्पीडी में आके उसको हमारा जो मोटर है उसको हैमरिंग करता है। सडनली मतलब चालू हो जाता है बहुत स्पीडी में, जिस वजह से हमारा मोटर का जो कॉयल है वो जलने का चांस रहता है, वो डैमेज होने का चांस रहता है और हमारा करंट भी बहुत खर्चा होता है जब तक उसका स्पीड नहीं पकड़ देता है। जैसे हमारा कोई मोटर का जो RPM है मिनिमम 80% तक जब तक नहीं आ जाता है तब तक वो बहुत हाई स्पीड में आके चालू हो जाता है, जिस वजह से हमारा पंप ख़राब हो जाता है, मोटर ख़राब हो जाता है और हमारा करंट भी बहुत वेस्टेज होता है और उसमें भी हम लोग को डेंजर रहता है। सही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करता है कि VFD हम लोग लगा के VFD से थ्रू से हम लोग उसको स्मूथली चालू करेंगे। जैसे मोटर चालू करना है तो स्लोली स्लोली चालू होके वो बाद में थोड़ा देर का बाद 10 सेकंड 15 सेकंड का बाद वो बराबर उसका जो RPM का जो स्पीड है, जो जितना स्पीड में कम मोटर घूमना है उतना वो स्पीड तक बाद में स्टार्ट होता है, और बंद करने का टाइम भी सेम फ्रिक्वेंसी में उसको बंद हो जाता है कि आराम से धीरे धीरे आके पूरा बंद होता है, सडनली होते बंद नहीं होता है। सही है, जो स्पीड में चलता है उसमें से स्लो हो जाता है और आराम से आके बंद हो जाता है। तो ये ऑटो सिस्टम में चालू होता है और बंद होता है, इसमें पूरा सेटिंग रहता है और BMS कंट्रोल थ्रू ये पूरा हमारा काम करता है। सही है, तो ये VFD जो है उसका मेन जो बात है इसमें यही है, इसी के लिए हम लोग यूज करता है। और कहाँ कहाँ यूज करता है बोलेगा तो कोई भी मोटर के साथ हम लोग यूज कर सकता है, वो प्लम्बिंग का पंप सेट हो या चिल वाटर का जो मोटर हो या HVAC का जो मोटर हो, बड़ा जो है हमारा 5 kW जो ज़्यादा मोटर है उसमें हम लोग VFD यूज करता है और हमारा मोटर का स्मूथ बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा और करंट भी बचेगा और बाकी हमारा जो भी है स्टार्टिंग और जो स्टॉप है वो आराम से स्लोली स्लोली होके वो बंद रहेगा, स्टार्ट और स्टॉप आराम से बंद रहेगा। ये होता है उसका मेन थिंग्स जो हम लोग इसको बिल्डिंग में यूज करता है। तो ये छोटा क्वेश्चन का आंसर था, और कोई भी इंटरव्यू में आप लोग को कोई क्लाइंट या इंजीनियर पूछता है तो आप बता सकता है कि शॉर्ट आंसर देगा तो सीधा सीधा बात करना है तो उसको बोलना है कि हम लोग VFD इसके लिए यूज करता है कि हमारा जो मोटर है उसको स्मूथली चालू और स्मूथली बंद करने के लिए, और बाकी जो हमारा करंट है इन्वर्ट करंट को उसको स्लो करके नॉर्मल करंट से, मतलब जैसे हमारा 440 वोल्टेज का करंट है 3-phase का उसको उतना स्पीड में नहीं लेकर आके उसको रिड्यूस करके आराम से 230 वोल्ट का सैमसम उसको चालू करके आगे वो स्पीड बढ़ाता है। सही है, और हमारा करंट को भी सेव करता है और हमारा पंप को भी सेव करता है और हमारा पंप के लिए मोटर के लिए यह हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। यही है VFD का काम। सही है, वो हर बिल्डिंग में लगता है, हर अपार्टमेंट में लगता है, आप पंप रूम में या चिलर प्लांट रूम में फायर रूम में हर जगह में ये लगता है कि हमारा पंप को चालू करने के लिए। सही है, बस यही था एक छोटा वीडियो में आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर में बताया। ये है, दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये हमारा VFD पैनल है और ये VFD का डिस्प्ले है, जितना मोटर रहेगा उतना VFD का डिस्प्ले रहेगा, उतना VFD रहेगा। इधर 3 VFD है तो ये 3 VFD 3 मोटर को पंप को चालू करता है। इधर हमारा बूस्टर पंप है
ये इसको चालू करता है, और दूसरा इधर भी हमारा एएचयू का पैनल है, एएचयू में भी हमारा जो मोटर रहता है फैन चलाने के लिए, तो ये एएचयू का अंदर में, इसका अंदर में हमारा मोटर है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। दूसरा साइड में हमारा इसमें मोटर है, तो उसको चालू करने के लिए हमारा ये देखिए ये जो मोटर है ये चालू होता है, इसको चालू करने के लिए हम लोग वीएफडी जरूर चालू करेगा तो मोटर सडनली हाई वोल्टेज में आके 440 वोल्ट में स्टार्ट चालू नहीं हो जाएगा, आराम से ये चालू होएगा और आराम से बंद भी हो जाएगा। सही है, तो ये इसका पैनल है, ये पैनल में हम लोग बाईपास करके रखा है। बाईपास किसके लिए रखा है, इधर वीएफडी सिस्टम है और स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी है। स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलेगा तो जो हमारा मोटर है उसमें पहले हम लोग थ्री फेज का पावर देता है तो वो डायरेक्ट चालू होता है, तो मोटर को सेम हमरिंग होता है और बहुत करंट वेस्ट होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि हमारा स्टार में जस्ट स्टार्ट करने का टाइम मेन कंडक्टर और स्टार कंडक्टर में से फर्स्ट स्टार्ट हो के फिर उसका बाद में जो हमारा मोटर का आरपीएम है, जो स्पीड है 10-15 सेकंड में, वो डेल्टा में स्टार्ट हो जाता है। सही है, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी काम करता है और इधर वीएफडी में काम करता है। बाईपास बोलेगा तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है और इधर वीएफडी में इधर रहता है, हमेशा ही वीएफडी में हम लोग रखा है इसको, उसका ऑटो सिस्टम में, इसको ऑटो में रखा है। ऑटो सिस्टम में ऐसा है कि हम लोग को बार बार हैंड में चालू करने का, इधर इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग एक बार ऑटो में रख दिया तो सेटिंग का हिसाब से जैसे प्रोग्रामिंग है एचबीएस का, बीएमएस कंट्रोल का हिसाब से वो ऑटोमेटिक चालू होगा और ऑटोमेटिक बंद होगा। सही है, तो ये वीएफडी हर पैनल में हर मोटर के साथ हम लोग लगा सकता है और ये हम लोग के लिए एक अच्छा डिवाइस है जो अभी हम लोग उसको बिल्डिंग में यूज़ करता है। सही है, एक छोटा वीडियो में मैं आपको बताया कि वीएफडी क्या है और कैसे हम लोग क्यों उसको लगाएंगे और कैसे काम करता है, आप लोग को शायद समझ आया होगा। और जिसको और कुछ जानकारी चाहिए इसके ऊपर वो मुझे कमेंट्स करेगा तो इसके ऊपर दूसरा वीडियो में बनाएंगे। सही है।